गाली गलौज कर रही है यहाँ पे गाने में। इंदौर की जनता कर रहा है क्या? बिग बॉस 16 के विनर और रैपर एमसी स्टैन से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि इंदौर में एमसी स्टैन का लाइव कॉन्सर्ट रद्द कर दिया गया है। सिर्फ यही नहीं, आरोप है कि बजरंग दल ने रैपर की पिटाई भी की है और इसके साथ उन्हें धमकी भी दी है। ये खबर सामने आने के बाद एमसी स्टैन के फैंस गुस्से से लाल हो गए हैं। उनके सपोर्ट में ट्विटर पर पब्लिक स्टैंड विद एमसी स्टैन ट्रेंड किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, बताया जा रहा है कि एमसी स्टैन की बजरंग दल के लोगों ने पिटाई की है और उन्हें काफी धमकाया भी है। बिग बॉस 16 के विनर एमसी स्टैन के इंदौर के लाइव कॉन्सर्ट में ये सब बवाल हुआ है। बजरंग दल ने रोका एमसी स्टैन का शो और इसके साथ ही सरेआम पब्लिक के सामने धमकी भी दी है। एमसी स्टैन के फैंस इस वक्त आग बबूला हैं और सोशल मीडिया पर रैपर के सपोर्ट में उतर आए हैं। बिग बॉस 16 का विनर बनने के बाद एमसी स्टैन देश के अलग अलग शहरों में लाइव कॉन्सर्ट कर रहे हैं। 17 मार्च को इंदौर में उनका शो था। इसी दौरान बजरंग दल वालों ने जमकर हंगामा काटा। दरअसल बजरंग दल एमसी स्टैन के गानों में खुलेआम गाली गलौज और महिलाओं को अपमान करने के खिलाफ है। इसके अलावा आरोप है कि एमसी स्टैन अपने गानों में ड्रग्स को प्रमोट करते हैं जो यूथ को बर्बाद कर रहा है। इसी वजह से इंदौर में लाइव कॉन्सर्ट से पहले एमसी स्टैन के साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी की गई है, उनके साथ मारपीट की है, ऐसा बताया जा रहा है और इसके साथ ही उनके शो को कैंसिल भी करवा दिया गया है। एमसी स्टैन के फैंस ट्विटर पर उनका काफी सपोर्ट कर रहे हैं। कई लोग पूछ रहे हैं कि बजरंग दल के आदमी स्टेज तक कैसे पहुंच गए, किसी सिक्योरिटी ने उन्हें क्यों नहीं रोका। कई लोग कह रहे हैं कि इंडिया में आर्टिस्ट की कोई इज्जत नहीं है। कुछ वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं जिसमें बजरंग दल के जो मेंबर्स हैं वो धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन एमसी स्टैन के फैंस ने अपना पूरा सपोर्ट दिखाया है। उनके सामने ही रैपर का नाम लेकर हूटिंग करने लगे थे। जी हाँ दोस्तों, एमसी स्टैन को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है कि एमसी स्टैन के साथ इंदौर में मारपीट की गई है और इसके साथ ही उनके शो को कैंसिल भी करवा दिया गया है। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि उनका अगला कॉन्सर्ट नागपुर में होने वाला था, उसको लेकर भी बजरंग दल ने उनका जो शो है वो कैंसिल करवा दिया है। एमसी स्टैन के साथ जो मारपीट की गई है और इसके साथ ही जो खबरें आ रही हैं कि उनके शो को कैंसिल करवाया जा रहा है, इस पर क्या है आपकी राय, जल्दी से हमारे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। अगर आपने अभी तक फिल्मी बीट को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिए। बॉलीवुड टीवी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए फिल्मी बीट।